सर कितना क्षति मानते हैं सर? मैं समझता हूं कि शीला दीक्षित जी के रहने से एक बड़ी क्षति हुई है, इसलिए मैं बड़ी क्षति मानता हूं, क्योंकि शीला दीक्षित जी इस देश के बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस में से उनकी गणना की जाती थी, और आपने देखा ताज जिंदगी जो उन्होंने राजनीति की है वो कभी भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, एक बेदाग राजनीतिक जीवन रहा है। लेकिन जो इस धरती पर आया है उसे जाना है, इसे कौन रोक सकता है। मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित। कुछ याद शेयर करेंगे सर आप उनके साथ? कुछ याद शेयर करें मैं, हम लोगों की बराबर भेंट मुलाकात होती रहती थी, और कभी दो तीन चार बार की घटनाएं तो ऐसी हैं कि मैं विदेश जाने वाला था और वह विदेश से लौट रहे थे, तो मैं किसी दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, उनकी उनको जब जानकारी मिली तो सीधे मिलने के लिए वो मेरे पास आई। उस समय यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ऐसे कई घटनाएं हैं जिनका कि जिक्र किया जा सकता है, लेकिन स्वाभाविक है कि उन सारी घटनाओं की ऐसे क्षणों पर विशेष याद आती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कितनी क्षति मानते हैं? हाँ सर बोलिए। देखिए शीला दीक्षित जी के जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है वो पूरा होना भरना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने आप में उस समय एक इंस्टीट्यूशन थी और तीन बार मुख्यमंत्री रहे। जो आज दिल्ली की शेप है या जो दिल्ली की आज शक्ल है वो उनके द्वारा कार्य किया जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन का उनका रहा। इसमें कोई दो राय नहीं, दिल्ली के विकास की जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका सदैव स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। केवल मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर भी वो बेहतरीन इंसान थे, और एक संगठन का भी उनको बहुत तजर्बा था, संगठन के लिए बहुत, कांग्रेस के लिए। तो आज वो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे, आज नहीं रही हैं, तो उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ी लेंगी और दिल्ली को उनका जो सपना था वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बहुत अफसोस की बात है, कपूरथले की लड़की है, हमने तो बहुत काम किया इकट्ठे, समा आता है समा जाता है। कुछ याद शेयर करना चाहेंगे सर? नहीं, लंबा मैं बोल ही नहीं सकता बस। थैंक यू सर। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हैं सर, भारतीय राजनीति में शीला दीक्षित का निधन कितनी बड़ी क्षति? ये एक अपूर्णीय क्षति है, एक ऐसी क्षति है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसको भरने में बहुत समय लगेगा, लेकिन शीला जी का जो जीवन था वो निश्चित रूप से विकास के लिए समर्पित था। शीला जी का जो जीवन था वो संविधान के लिए समर्पित था। शीला जी का जो जीवन था वो सामंजस्य के लिए समर्पित था। शीला जी का जो जीवन था वो आम नागरिकों की बेहतरी के लिए समर्पित था। तो शीला जी बहुत याद आएंगी, दिल्ली में जब भी हम चलेंगे शीला जी हमेशा याद आएंगी। कुछ याद शेयर करना चाहेंगे आप उनके साथ जो काम किए? हम उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन यात्रा कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी शीला जी, उस वक्त उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में आई थी जहाँ का मैं निवासी हूँ, और उन्होंने जिस तरह से हौसला अफजाई की और कहा कि नौजवानों को देश का मुस्तकबिल बदलना है, वो उनकी एक शैली थी कनेक्ट करने की। और मैंने कहा ना, सामंजस्य का दूसरा रूप शीला दीक्षित जी थी, सामंजस्य बैठाती थी संविधान से, सामंजस्य बैठाती थी विरोधी दलों से, सामंजस्य बैठाती थी विकास से, सामंजस्य बैठाती थी निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं से, और सामंजस्य बैठाती थी अपने पूरे के नाम उसका दल से। तो शीला जी का एक ये बहुत बड़ा एक करेक्टर था। मैडम बहुत दिक्कत है उनके लिए। सबसे अच्छा बात यह है, श्रद्धांजलि ये है कि उन्होंने दिल्ली की जनता का मन जीता था, दिल्ली के लिए विकास के काम किए थे, 15 साल वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से सबको जीता और अच्छा जीवन उन्होंने जिया। मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के निधन पर आज हम सबको शोक, ज़्यादा इसलिए कि वे केवल एक राजनीतिक नहीं थी, भले कला और साहित्य के अंदर भी उनकी बहुत रुचि थी। दूसरा दुख इसलिए भी है कि अब कुछ ही राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी मुस्कुराकर और अच्छे व्यवहार के साथ मिलते हों। उनके साथ मेरे संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक और बहुत ही मधुर रहे हैं। अक्सर हम राजनीति की चर्चाएं खुलकर उनसे कर लेते थे, और मेरे को ध्यान आता है जब आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के समझौते की बात कर रहे थे तो मुझे एक जगह मिल गई थी। मैंने उनको कहा था कांग्रेस आपके ऊपर
आम आदमी पार्टी ने इतने आरोप लगाए हैं, अगर आप इनसे समझौता करती हैं तो उसका क्या मतलब निकलेगा, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बाद में ठीक ही सोचा इस बारे में, तो वो राजनीतिक चर्चा करने में परहेज नहीं रखती थी। दिल्ली में उनके जाने से दुख है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बालिया साहब हैं सर, आज शीला दीक्षित जी का निधन हो गया, भारतीय राजनीति में कितनी बड़ी क्षति है? भारतीय राजनीति और ख़ासकर दिल्ली के लिए बहुत बड़ी क्षति है। शीला जी ने जो दिल्ली के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। इन 15 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में और जो काम हुए हैं वो जो है मैं नहीं समझता ये कोई सरकार इनको कर पाएगी। आप उनके साथ लंबे समय तक काम किया है, कुछ याद शेयर करना चाहेंगे? उनके साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता था। मैडम जो है हर चीज़ को जो है डिस्कस करती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम आती थी तो इंटरवीन करती थी और उसको हल करती थी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा जी हैं सर, आज शीला दीक्षित जी का निधन हो गया, क्या आपके पास जो कुछ यादें वो शेयर कीजिए। देखिए याद की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो सबसे पहले बड़ी माला पहनाने का सौभाग्य एल जी हाउस में मुझे मिला था। वो माला आज तक मेरे घर में उनकी फ़ोटो लगी हुई है, हमेशा याद करता हूँ। उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा सम्मान समझता था और ऐसे वक्त पर उनका चला जाना पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली को तो लगा ये पार्टी को भी लगा है। आज उनकी दिल्ली और देश और कांग्रेस पार्टी को बहुत जोड़ती और बड़ा दुख हुआ है। यकीन ही नहीं होता कि हमारे बीच से वो चले गए। कल तक तो प्रदर्शन करा रही थी, पूरा जोर शोर से उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था, कार्यकर्ता में जोश था। इस कमी को पूरा नहीं करा जा सकता। आज हम बस बहुत दुखी हैं, दिल से दुखी हैं। इस वक्त हमारे साथ शकील अहमद खान जी हैं जो कि लंबे समय तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ काम किए हैं, इनसे जानते हैं इनके कुछ यादें जो साझा करेंगे आप। मैं सन 77 में जब हमारी कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था और इंदिरा जी के जेल जाने के बाद जब जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय से मैं शीला दीक्षित जी से जुड़ा, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है और मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, इसलिए मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जिला युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 77 में जी। और जब 80 में हमारी सरकार आई तो शीला जी ने मुझे मतलब विशेष तौर से मुझे बुलाया, क्योंकि मैं संगठन में था, और उन्होंने कहा कि तुम जैसे नौजवान जो एजुकेटेड हैं, जो लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं, तुम जैसे लोगों को मुझे ज़रूरत है। तो उनके अंदर एक विशेषता ये थी कि वो राजनीतिक बातें तो राजनीतिक जो अपनी दिशा निर्देशन था वो तो था ही था, लेकिन वो व्यक्तिगत तरीके से लोगों से बहुत जुड़ती थी और जुड़ने के बाद उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम, और उससे अलावा सबसे बड़ी बात ये थी वो बहुत सेकुलर थी, सारे धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलती थी, सारे लोगों को साथ में लेकर चलती थी। 15 साल जब वो मुख्यमंत्री यहाँ रही, इत्तेफाक से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो क्योंकि मैं माइनॉरिटी से संबंध रखता हूँ, मुसलमान हूँ, तो वो मुस्लिम्स की बहुत जो जटिल समस्याएं थी उन तक को सुनती थी और तमाम उलमाओं को बुलाकर उनसे मशवरा लेती थी कि भाई ये मसला है, ये मज़ार का मसला है, ये मस्जिद का मसला है, इसमें क्या किया जाए। तो ऐसे लीडर्स बहुत कम होते हैं कि जो इतने तह तक जाकर। तो आज आपको कब पता चला कि उनका निधन हो गया? मैं आपका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मैं गया था किसी काम से, तो वहाँ अचानक मुझे खबर आई तो मैं फ़ौरन सीधा भागकर यहाँ आ गया। ये करीब बात है एक घंटा पहले की, एक डेढ़ घंटा पहले। क्या आपको अचंभित नहीं कर रहा है कि अचानक उनका अचानक निधन? नहीं, अचानक तो ये है कि भाई ये तो भगवान के हाथ में सांसें हैं और आप उनकी एज भी थी। दूसरी बात ये कि अभी चुनाव में मैं उनके साथ 15 दिन रहा, चुनाव में पूरा वो काम कर रही थी, कहीं लगता ही नहीं था कि स्वास्थ्य में कोई कमी, हालांकि एज फैक्टर तो हर एक के साथ होता है, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत था, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़बरदस्त था। इस एज में भी वो अपने सारे वर्कर के साथ इलेक्शन कैंपेन किया और मैं सीलमपुर में मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई थी और मैं वहाँ पर 8 दिन रहकर मैंने इस इलेक्शन में काम किया और वहाँ जीती हूँ जी। मेरा नाम तूफानी निषाद है जी। और मैडम ने जिस तरह से दिल्ली को सजाया और संवारा था, आप सब लोगों को मालूम है कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था जी, जी, जी। उस गेम के दौरान जो दिल्ली में उन्होंने वर्ल्ड क्लास की सिटी बनाई, आज पूरे दिल्ली के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली में बसते हैं और पूरी दिल्ली के लोग शीला दीक्षित के लिए रो रहे हैं। किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी लाडली हमारे बीच से चली गई। जो उन्होंने काम किया यहाँ सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, चाहे किसी भी पार्टी के लिए रहे हों, शीला दीक्षित सबको साथ लेकर के दिल्ली को सजाया और संवारा। आज हम लोगों को अत्यंत दुख है और ये
ऐसी क्षति है कि जो इसका पूर्ण कांग्रेस पार्टी में दूसरा कोई व्यक्ति रिक्त स्थान को भर नहीं सकता। हम सब लोगों को बहुत दुख है। जी शीला दीक्षित बीमार चली थी काफ़ी दिन से, तो कब पता चला आज उनके निधन की खबर आपको कब मिली? हमें वो जैसे हॉस्पिटल में थी, तो चूँकि हम लोग जुड़े हैं उससे, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के देश के कार्यकर्ता हैं, तो पल पल की हमें खबर थी। जैसे उनका निधन हुआ, डॉक्टरों ने घोषित किया, तो हम सब लोगों को पता लग गया। आजकल सोशल मीडिया इतनी तेज़ है, हम लोग पूरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पूरे देश के लोग, एक दूसरे को तुरंत पता लग गया कि हमारी लाडली हमारे बीच नहीं रही, तो हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए उनको अंतिम दर्शन के लिए उनके। बिल्कुल, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में भी वो काफ़ी सक्रिय थी, उन्होंने प्रचार भी किया, तो उनसे जुड़ी कुछ यादें आप हमें बताएंगे? इतनी उम्र होने के बावजूद, 80-81 साल की उम्र में भी उनका जो काम करने का तौर तरीका था, लोगों के बीच जाना, घर घर मिलना, उनकी बातों को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना, और फिर उनसे कहना कि अगर इस बार भी हमको मौका मिला तो जैसे हम 10 साल CM रह करके इस प्रदेश का सेवा किया, अगर फिर मौका मिलेगा तो हम फिर से जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको पूरा करेंगे, और आप लोगों के बीच के आपके दुख के आपके दर्द और आपके विकास के लिए मैं काम करूंगी, आप लोगों के बीच में मैं आऊंगी। हम लोगों को बड़ा उत्साह होता था, हम नौजवानों के खास तौर से वो आइडियल थी कि 81 साल के उम्र में उनका दिनचर्या, खाना पीना, खाने का तौर तरीका और काम करने का, हार्ड वर्क करना, 18 घंटे चुनाव में काम करना, हम लोगों को एक सीख मिलती थी, एक उत्साह मिलता था उनसे काम करने के लिए, एक प्रेरणा मिलती थी। वो सारी यादें अब सपनों में रह गई। बिल्कुल।